अपनी मांग के पूरी न होने के चलते ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा जारी हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गई। वहीं ग्रामीण डाक सेवकों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली गई और गांधी चौक पर शव रखकर विरोध भी जताया गया। ग्रामीण डाक सेवकों ने सबसे पहले मुख्य डाकघर हमीरपुर में इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संचार मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा इसके बाद प्रधानमंत्री की अर्थी तैयार कर उसकी शव यात्रा निकाली। जिला डाक सेवा संघ के अध्यक्ष जगदेव चौधरी ने कहा कि हड़ताल को लगभग 10वां दिन हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे में मस्त है, लेकिन कर्मचारी की हड़ताल को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार जो है हमारे हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। हमारे जो कमलेश चंद्रा की रिपोर्ट थी, कमेटी रिपोर्ट, वो सरकार ने ही कमेटी बैठाई, सरकार ने ही सब कुछ किया, और सरकार भी उस फाइल को चलाने के लिए हमने फिर स्ट्राइक करी एक बार, पिछले साल की बात है, और आज फिर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फिर हमें स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज 9वां दिन है, तो मोदी जी तो बाहर विदेश घूमने जा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट हमारा टस से मस नहीं हो रहा है। कभी बोल रहा है कि 45 दिन दीजिए हमें, कभी बोल रहा है 40 दिन दीजिए, आज कुछ खबरें आई हैं तो कहते हैं कि 15 दिन ही दीजिए। तो जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, हम तब तक अडिग रहेंगे अपने इस स्ट्राइक के ऊपर। कोई कम्युनिकेशन कंटिन्यू हो रहा है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं महंत भैया जी, वो कंटिन्यू उनके इसमें मीटिंगें चली हैं उनके साथ, तो हो सकता है आज भी है मीटिंग शाम के टाइम, तो कुछ ना कुछ कोई हल निकलेगा, तो हम बिल्कुल आपसे भी रूबरू होंगे फिर। अगर नहीं हुआ तो स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी। आज का क्या, आज आपने वो पूरे बाजार में क्या? पूरे बाजार में हमने सब यात्रा निकालने का अपना एजेंडा बनाया हुआ था, तो सुबह से हम इस काम में लगे हुए थे। पिछले काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि सब यात्रा निकालें, तो आज पिछले दिन तो मोदी जी भी बाहर चले गए, आज कैबिनेट थी, हमने उम्मीद जताई थी हो सकता है कैबिनेट में कोई फैसला लेते, लेकिन वो पिछले दिन ही फौरन चले गए, तो हम ये संघर्ष अपना जारी रखेंगे। धन्यवाद।